मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के सिंधिया को कुत्ता बताने वाले बयान पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे कुत्ते हैं क्योंकि कुत्ता मालिक की रक्षा करता है और जो भ्रष्टाचार करेगा, गलत करेगा, उसको कुत्ता काटता भी है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मन से कहा कि वे कुत्ते हैं, वे जिसकी सेवा करते हैं तो सेवा करते हैं, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता की रक्षा करता है और जो उसके मालिकों के साथ भ्रष्टाचार करेगा, गलत करेगा, उसे कुत्ता काटेगा भी। गौरतलब है कि कार्यकर्ता सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से एक कहावत सुनाते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, और खुद को काला कौआ बताया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को काला कौआ कहा था और उसी काले कौए ने कांग्रेस को काटा है। काले कौए के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब खुद को कुत्ता कहा है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर, और इस चुनाव में मेरे भाई और बहनों है जिसकी सेवा में करता हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।